बात कर लेते हैं दोस्तों, जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत पड़ेगी जिसको इन पेशेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो पॉलिसी में 100% इन पेशेंट ट्रीटमेंट कवर है। अप टू सब इंश्योर तक आप पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो 60 दिन पहले का खर्चा और 180 दिन बाद का खर्चा पॉलिसी में कवर है, जो कि बहुत यूजफुल अच्छा फीचर है। बात कर लेते हैं डे केयर ट्रीटमेंट, ऑल डे केयर प्रोसीजर पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं 2 साल के बाद ही कवर होते हैं, तो यहाँ पर भी कवर रहेंगे। ऑर्गन डोनर अप टू सब इंश्योर पॉलिसी में कवर है। रीस्टोर बेनिफिट अवेलेबल है वंस इन ए पॉलिसी ईयर, जिसमें 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस जेन्युइनली फ्री है। किसी तरह नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा AIG के मेडिकेयर लाइफ प्लान के बारे में। ये एक ऐसा सस्ता सुंदर बढ़िया प्लान है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसी मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पर प्रीमियम महंगा होता है। तो दोस्तों, आज मैं टाटा AIG का सस्ता और बढ़िया प्लान आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना है और प्लीज समझना है ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। इसको देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, पिछले 28 सालों से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उनको अच्छा और बढ़िया पॉलिसी बताने में पूरी पूरी मदद करता हूँ। तो दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन जरूर जरूर क्लिक करना है, तभी सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो फटाफट से देखते हैं ये टाटा AIG मेडिकल लाइट के अंदर कौन लोग एलिजिबल है, कौन लोग ये पॉलिसी को ले सकते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स कवर होंगे, वो भी यहाँ डिटेल में समझाऊंगा। यह पॉलिसी 18 साल से लेकर 65 साल तक के किसी भी पर्सन को आराम से मिल सकती है। बिना मेडिकल टेस्ट यहाँ पर पॉलिसी मिलता है, कोई प्री मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं होता है और यहाँ पर डिपेंडेंट चाइल्ड 91 डेज से लेके 25 साल तक एज ए डिपेंडेंट रह सकते हैं। पॉलिसी इंडिविजुअल भी ली जा सकती है और फैमिली फ्लोटर भी ली जा सकती है। यहाँ पर 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए पॉलिसी इकट्ठा लिया जा सकता है। 2 साल का पॉलिसी लेते हैं तो 5% डिस्काउंट है और 3 साल का लेते हैं तो 10% प्रीमियम में डिस्काउंट आप यहां पर अवेल कर सकते हैं, जो कि अच्छा और बड़ा फीचर है। इंश्योरेंस की बात करें तो 5 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस यहां पर अवेलेबल है। 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख का इंश्योरेंस यहां पर आप ले सकते हैं। फैमिली साइज की बात करेंगे तो हस्बैंड वाइफ, 3 बच्चे मैक्सिमम पॉलिसी में कवर हो सकते हैं। चाहे अकेला पर्सन ले, हस्बैंड वाइफ ले, हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे एक पॉलिसी में एक साथ कंसीडर किए जा सकते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड की बात कर लूं, जब भी कोई पर्सन नया पॉलिसी लेता है तो पहले 30 दिन इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है, यहाँ पर भी रहेगा। कोई स्पेसिफिक डिसीज की बात कर ले, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी शूट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, फिस्तुला, फेब्राइट, जिनके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड है, ये कुछ ऐसी स्लो ग्रोन डिसीज होती है जिसमें सभी कंपनियां वेटिंग पीरियड लगाती है, तो यहाँ पर भी है, सिर्फ 2 साल का वेटिंग पीरियड है। और अगर कोई पहले से कोई पुरानी बीमारी है, जैसे BP है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, जिसको आप डिस्क्लोज करके लेते हैं, 36 मंथ का इनिशियल वेटिंग पीरियड लगेगा, जिसका आपने ध्यान रखना है, जो इनिशियल रहेगा ही रहेगा। बात कर ले कुछ डिस्काउंट्स की, तो पॉलिसी में कुछ स्पेशल डिस्काउंट है। अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं और फैमिली को साथ में कंसिडर करते हैं तो 2 मेंबर्स में 20% डिस्काउंट है, 3 मेंबर्स लेते हैं 28%, और अगर 3+ है तो 32% तक का टोटल प्रीमियम में आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोई टाटा ग्रुप एम्प्लॉइज है तो 10% का डिस्काउंट मिलता है ऑन बेस प्रीमियम, ये भी एक स्पेशल फीचर है। बात कर लेते हैं दोस्तों, जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत पड़ेगी जिसको इन पेशेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो पॉलिसी में 100% इन पेशेंट ट्रीटमेंट कवर है। अप टू सब इंश्योर तक आप पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो 60 दिन पहले का खर्चा और 180 दिन बाद का खर्चा पॉलिसी में कवर है, जो कि बहुत यूजफुल अच्छा फीचर है। बात कर लेते हैं डे केयर ट्रीटमेंट, ऑल डे केयर प्रोसीजर पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं 2 साल के बाद ही कवर होते हैं, तो यहाँ पर भी कवर रहेंगे। ऑर्गन डोनर अप टू सब इंश्योर्ड पॉलिसी में कवर है। रीस्टोर बेनिफिट अवेलेबल है वंस इन ए पॉलिसी ईयर, जिसमें 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस जेन्युइनली फ्री है। किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं है, 100% एग्जॉस्ट होने की कोई कंडीशन नहीं है। सेम पर्सन सेम डिसीज भी क्लेम कर सकते हैं और सेम पर्सन अदर डिसीज भी क्लेम कर सकते हैं, अच्छा और बड़ा फीचर है। आयुष ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी में कवर है, जो कि शानदार फीचर है। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा
कोई भी ट्रीटमेंट आप कराना चाहे अप टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी में करा सकते हैं। एम्बुलेंस कवर 3,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एम्बुलेंस कवर पॉलिसी में कवर है, अच्छा और शानदार फीचर। हेल्थ चेकअप की बात कर ले तो पॉलिसी में वंस एवरी ईयर ओनली कैशलेस बेसिस पे अवेलेबल है, हर साल पॉलिसी में इनबिल्ट फीचर है, कोई और कंडीशन यहाँ पर नहीं है। कंपैशनेट ट्रेवल अगर कोई जरूरत पड़ती है, किसी सीरियसनेस है, पेशेंट को साथ में लेके जाना है तो 20,000 रुपए पर पॉलिसी ईयर आप यहाँ पर कंपैशनेट ट्रेवल भी यूज कर सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी अप टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी में कवर है, जो कि शानदार बड़ा फीचर है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल, यस अगर कोई एडमिशन होता है जिसमें एडमिट होने की जरूरत पड़ती है और डेंटल ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है तो भी यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं अप टू सम इंश्योर्ड, जिसकी कोई सब लिमिट नहीं है, जेन्युइन और अच्छा फीचर है। वैक्सीनेशन कवर अगर कोई डॉग बाइट है या कुछ इस तरह से कोई जरूरत पड़ती है, एनिमल बाइट होती है, तो उसके इसमें 5,000 रुपीज पर पॉलिसी ईयर आप वैक्सीनेशन भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। हियरिंग एड्स का किसी को कोई हियरिंग एड्स का कुछ कंसर्न आ जाए तो 50% ऑफ द एक्चुअल्स मैक्सिमम 10,000 रुपीज पर पॉलिसी एवरी थर्ड ईयर ऑफ कंटिन्यूस कवरेज, 2 साल के बाद इसमें ऑप्शन है अगर किसी को हियरिंग एड की जरूरत पड़ती है तो वो भी 50% ऑफ एक्चुअल्स या 10,000 रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं, अच्छा और यूनिक फीचर है। डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर्ड अकोमोडेशन, अगर आप कोई शेयर अकोमोडेशन लेते हैं तो 0.25% या 2,000 रुपीज पर डे मैक्सिमम आप डेली कैश का फीचर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जितने दिन भी आप शेयरिंग रूम में रहेंगे उतने दिन पर डे आपको 2,000 रुपीज पर डे कंपनी प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये जब भी मिलेगा जब आप कंपनी के वैल्यूड प्रोवाइडर्स के अंदर जो कंपनी के ट्रायल एंड टेस्टेड हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में एडमिट होंगे तभी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट बात कर ले तो सेकंड ओपिनियन पॉलिसी में सेकंड ओपिनियन भी कवर है, जो कि अच्छा फीचर है। कवर्ड फॉर लिस्टेड इलनेस, जो इलनेसेस हैं उसके लिए अगर कोई सेकंड आपको ओपिनियन लेना है किसी डॉक्टर से तो आप ले सकते हैं। कम्युनिटी बोनस पॉलिसी में 50% कम्युनिटी बोनस मिलता है और मैक्सिमम 100% तक जाता है। अगर किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया है, पॉलिसी में क्लेम नहीं आता है, तो अगले साल 10 लाख की पॉलिसी 15 लाख की हो जाएगी और सेकंड ईयर भी क्लेम नहीं आएगा तो 20 लाख की हो जाएगी। ये पावर है, 2 साल में पॉलिसी डबल हो जाती है, यूनिक फीचर है। नेक्स्ट एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स, आपका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का एडिशनल राइडर है, आप इस राइडर को चूज कर सकते हैं। जितने लाख का सम इंश्योर्ड लिया है उतने लाख का आप एक्सीडेंटल राइडर भी एज ए प्रपोजर के लिए ले सकते हैं, यूनिक फीचर है। वेलनेस सर्विसेज इसमें अवेलेबल है जिसमें टेली कंसल्टेशन आप यूज कर सकते हैं अनलिमिटेड। रूम कैटेगरी यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम पॉलिसी में अलाउड है, जो कि आपके लिए यूजफुल रहेगा। दोस्तों ये सारे फीचर्स यूनिक है, लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन भी है जो आपको बता दूं, जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस टर्म कंडीशंस जाने बिना इस पॉलिसी को लेने का कोई फायदा नहीं रहेगा, वो क्या है जल्दी से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रीमियम बहुत सस्ता है तो कुछ कंडीशंस होगी। यहाँ पर कॉस्ट शेयरिंग ऑप्शंस है, कॉस्ट शेयरिंग ऑप्शंस क्या होते हैं जिसमें कुछ कोपेमेंट्स के क्लॉज होते हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन 61 की एज ऑनवर्ड्स 61 के बाद कोई पॉलिसी लेता है, 60 साल के बाद कोई नया पॉलिसी में एंटर करते हैं तो यहाँ पर कोपेमेंट लगेगा 20% ऑफ क्लेम, जो भी आपका क्लेम आएगा उसका 20% आपको बियर करना पड़ेगा, 80% कंपनी देगी। लेकिन अगर किसी ने 61 से पहले पॉलिसी ले लिया है तो लाइफ टाइम कोई कोपेमेंट नहीं लगेगा। दूसरा एक और कोपेमेंट लगता है अगर आप यहाँ के नेटवर्क ऑफ वैल्यूड प्रोवाइडर कंपनी के जो वीपीएन लिस्ट है, वैल्यूड प्रोवाइडर नेटवर्क लिस्ट है, अगर आप उनके अलावा किसी और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं तो 30% कोपेमेंट लगेगा, यानी कि 70% कंपनी देगी, 30% आपको बियर करना पड़ेगा। तो प्लीज ध्यान रखें कि आपको जब ये पॉलिसी लेना है तो सिर्फ वैल्यूड नेटवर्क प्रोवाइडर में ही अपना ट्रीटमेंट कराना है, जो कंपनी की तरफ से ट्रायल एंड टेस्टेड हॉस्पिटल है, जिसमें आपका 100% कैशलेस होगा। लेकिन आप उसके अलावा अदर कैशलेस में जाएंगे तो आपका 30% कोपेमेंट लगेगा, या रीएम्बर्समेंट कराएंगे तब भी 30% कोपेमेंट लगेगा, जो आपको बहुत ध्यान रखना है। और एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंसेस का मतलब है अगर आपको सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम के लिए बताया गया इस पॉलिसी में जो एलिजिबल है, इससे हायर कैटेगरी का अगर आप रूम लेते हैं, लग्जरी रूम, डिलक्स रूम, स्वीट रूम, तो डिफरेंशियल चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे, जिसका आपने ध्यान रखना है। ऐसा आप ना करें तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। यहाँ पर प्रीमियम की बात कर लें तो जो कि बहुत ही यूजफुल है, और यहाँ पर जो वैल्यूड प्रोवाइडर लिस्ट है ऑल इंडिया बेसिस पे अवेलेबल है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो 30% कोपेमेंट लगेगी, जिसका आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज पॉलिसी में कोई कंसर्न नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिसी में यहाँ पर 3 जोन है, जोन वाइज प्रीमियम है, जोन ए, जोन बी और जोन सी। जोन ए के अंदर मुंबई,
इंक्लूडिंग मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, दिल्ली इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल रीजन, फरीदाबाद, गाजियाबाद, अहमदाबाद, सूरत एंड बड़ौदा आते हैं। और जोन बी की बात कर लो तो हैदराबाद इंक्लूडिंग सिकंदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, इंदौर, चेन्नई, चंडीगढ़, और इंक्लूडिंग मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर, पुणे इंक्लूडिंग पिंपरी, चिंगवाड़ और राजकोट जैसे एरिया जोन बी के अंदर आते हैं। जो दोनों जोन ए और जोन बी में नहीं आते हैं वो सब जोन सी के अंदर आते हैं, जिसे रेस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रीमियम आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जोन ए का प्रीमियम भी लिखा हुआ है और जोन बी का प्रीमियम भी लिखा हुआ है और जोन सी का प्रीमियम भी लिखा है। इंडिविजुअल वाइज आप इसमें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ पर इस वर्किंग को अपने फैमिली के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो प्लान मैंने बताया टाटा एआईजी का मेडिकेयर लाइट प्लान, ये अमेजिंग वर्किंग आपको समझ में आई होगी। जो लोग भी ऑल ओवर इंडिया बेसिस प्लान को हमारे थ्रू लेना चाहते हैं प्लीज कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम लोग जेन्युइनली हेल्प करने में खुशी होती है, हम आपको बेटर सर्विसेज देने में गर्व महसूस करते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा। थैंक यू सो मच।